व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज स्वराज और आज आपके साथ मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। तो जैसे कि अभी मैं नया रायपुर में खड़ा हूँ, नया रायपुर जो कि इसका बेसिकली नाम चेंज कर दिए अटल नगर। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है पीछे और ये आप पीछे देख सकेंगे, ये आपको बस स्टैंड है। बहुत ही अच्छे डिजाइन बस स्टेशन है, ये वेल डिजाइंड है। तो चलिए फिर चलते हैं। आज का जो लोकेशन है वो तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही चुके होंगे कि हम इमर्सिव डोम जा रहे हैं। तो जो ये बस स्टैंड है यहाँ से आपको इमर्सिव डोम अराउंड 5 to 6 किलोमीटर है। तो एक चीज तो आपसे बताना चाहूंगा कि हेल्थ कंडीशंस के कारण मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो जा रहा है ब्लॉग बनाने में, लेट हो जा रहा है बनाने में। ऐसे तो वीकली अपलोड करने की कोशिश करता हूँ लेकिन थोड़ा आजकल प्रॉपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर आज थोड़ा टाइम मिला तो चलिए फिर चलते हैं लोकेशन पे और फिर वहां पे आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसे कि देखेंगे हम इमर्सिव डोम पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप देख सकेंगे पीछे जो है पीछे पार्किंग है और अभी आपको लेंस का लाइट तो इतना जस्टिस नहीं देगा। पीछे देखेंगे ये पूरा इमर्सिव डोम है। तो आपको मैं इमर्सिव डोम के बारे में बताना चाहूँगा कि इमर्सिव डोम जो है आपको नया रायपुर में सेक्टर 20 में है और ये 5D सिनेमा है। यहाँ पे सिर्फ आप 10 रुपीज़ में यहाँ पे आके 5D सिनेमा देख सकते हैं। आप कहीं भी अगर 5D सिनेमा देखने जाते हैं जिसमें कि आपको 15-20 मिनट का शो रहता है, चाहे आप कहीं भी हमारे सिटी सेंटर में देख लें रायपुर में या कहीं भी आप देखते हैं नॉर्मली किसी भी सिटी में, तो आपको 100 या 150 रुपीज़ लगती है। लेकिन जैसे कि ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 10 रुपीज़ लगता है। तो ये बहुत ही बॉम्ब चीज़ है कि सिर्फ आप 10 रुपीज़ में आ सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा 5D शो देख सकते हैं। शो बहुत ही अच्छा रहता है, आप इंजॉय करेंगे। तो ज़रूर से जब भी हो, आपको जब भी टाइम मिलता है, आप आएँ और यहाँ पे शो देखें। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं और शो देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं 1 मंथ या 1.5 मंथ अराउंड पहले आया था, ब्लॉग बनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, पानी आपको बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, आधा फीट पानी भरा हुआ था, तो फ़ोन निकालना और ब्लॉग बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर सोचा कि आज चलते हैं और एक ब्लॉग शूट करते हैं। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं और शो देखते हैं। बाकी एक चीज़ तो है कि ये लोकेशन आपको स्पॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो पीछे जस्ट इसके पीछे आपको टाइम्स स्क्वायर और निर्माण भवन भी है, तो इससे आप स्पॉट कर सकते हैं। थोड़ा ही आपको लोकेशन स्पॉट करने में मतलब कि थोड़ा तो डिफ़िकल्टी होगी। और जो हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है, यहीं पर शो चालू हो चुका है। तो अब मैं भी जाता हूँ, टिकट लेता हूँ और फिर आपको अंदर दिखाता हूँ कि डोम का क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, तो हमने टिकट ले लिया है। जो मैंने शो लिया है वो डाइनो प्लेनेट का लिया है और आपको एक शो अराउंड 30 मिनट्स का रहता है। तो हमारा शो 6:40 पे है, तो अभी 20 मिनट्स बचा हुआ है। तो हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चालू होता है शो, कि आपको अंदर दिखा सकूं कि क्या एक्सपीरियंस है। वैसे तो कैमरा उतना अच्छा जस्टिस नहीं देगा। अरे एरोप्लेन ऊपर जा रहा है जिसका आवाज़ आ रहा है, कैमरा आपको उतना अच्छा जस्टिस तो नहीं दे पाएगा। तो आप जब खुद से आएंगे और ये जगह विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आएं और यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। ये आप देख सकेंगे जैसे कि यहाँ जितना भी बहुत सारा शो वगैरह दिख रहा है। तो लास्ट टाइम मैं आया था तो आपको ये डाउन ऑफ स्पेसेज गया था, तो आज आपको अभी टाइम अराउंड 6:20 वगैरह हो रहा है। तो मैं आज शायद डाइनो प्लैनेट का शो देख लूँगा, फिर आप देख सकेंगे ये शो की टाइमिंग है। तो अभी मैं आपको टिकट ले चुका हूँ और एंट्री गेट पे खड़ा हूँ। तो एंट्री गेट पे हमारे भाई खड़ा होता है, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे भाई क्या एक्सपीरियंस रहता है और आपकी तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे जो जिस कारण यहाँ पे पब्लिक आए। जैसे कि ये बहुत ही सस्ता है, अफोर्डेबल है, कोई भी पब्लिक आ सकती है देखने के लिए। तब आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपकी तरफ से क्या है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे, कि आप लोग डेली देखते होंगे बहुत सी पब्लिक, तो आप क्या अपना बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस। मैं बुलाया हूँ
अभी ये अटल नगर विकास प्राधिकरण का, मैं जब से ये इमर्सिव डोम का ओपनिंग हुआ है 2016 से। अच्छा, 16 में चालू हुआ है इमर्सिव डोम। हाँ जी, 2016 में इसका ओपनिंग हुआ, बट पिक्चर दिखाना यहाँ पे लोगों को प्रदर्शित कराना ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मतलब 16 में जब स्टार्ट हुआ है तब ऐसा मूवी वगैरह नहीं दिखाते थे आप? उस समय अपलोड नहीं हुआ था। अच्छा, मूवी 2017 में स्टार्ट। अच्छा, तो उस समय जब ये ओपनिंग होने के बाद अच्छा खासा लोगों का आ रहा है, पर इसमें ये है कि हम लोगों को जो अनुभव है, हम लोग पहले दूर में जाते थे, ये फैब्रिक डोम सुनने में आता था लेकिन कभी देखे नहीं थे। कभी देखे नहीं थे। में ये पहला प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बेंगलोर में है, चेन्नई में है। अच्छा, जो इमर्सिव डोम वाला प्रोजेक्ट है आपको ये सब जगह में भी है, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई में भी? हाँ जी। तो हम लोगों को अब इसका देखना है, इसका अनुभव लेना है, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो ये इमर्सिव डोम जो है वो बहुत ही अच्छा चीज है। हम लोग आज तक होम थिएटर थिएटर में देखे हैं कि वहाँ पे 3D पिक्चर दिखाया जाता है छोटे स्क्रीन पे, और यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था बड़ा स्क्रीन का। तो ये फुल एंजॉय, फुल एक्सपीरियंस लेने का एक स्थान है। आइए आप लोग और फुल मजा कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। अंदर जैसे कि रिक्लाइनर सीट वगैरह रहता है, तो ऊपर पूरा डोम रहता है जिसमें प्रोजेक्शन होता है, 4 कैमरे रहते हैं अराउंड, जिससे आपको बहुत 5 कैमरे रहते हैं, सॉरी जैसा कि पिया ने बताया 5 कैमरे रहते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन होता है। तो आप रिक्लाइन करके देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ हैं, जैसे प्लेनेटोरियम टाइप का लगता है आपको, बहुत ही अच्छा शो है। तो चलिए, मैं अंदर की कोशिश करता हूँ थोड़ा शूट करने का, वैसे आपको समय मिले आप आइए देखिए। और अगर आप पहले विजिट कर चुके हैं इस जगह को, तो आप कमेंट ड्रॉप करके बताएंगे मेरे को कि आप यहाँ पहले आ चुके हैं। का शो था वो खत्म हो गया। ये जो डायनो प्लेनेट वाला शो था वो 15 मिनट्स का ही था, तो मैंने बोल तो दिया था कि कैमरा उतना अच्छा जस्टिस नहीं कर पाएगा, मैं रिकॉर्ड करने की भी कोशिश कर रहा था। तो आप यहाँ आएंगे, खुद से एक्सपीरियंस लेंगे, तो मतलब बहुत ही थ्रिलिंग और बॉम्बे एक्सपीरियंस रहेगा। आप यहाँ आएंगे, खुद से इंजॉय कर सकेंगे। बहुत सी पब्लिक फैमिली वीकेंड वगैरह पे यहाँ पे आती है, तो जब भी होगा आप यहाँ आ सकेंगे और घूम सकेंगे। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। Okay, till then, next vlog में मिलते हैं।